तो हेलो फ्रेंड, तो ये गेम आ गया है मार्वल फ्यूचर रिवॉल्यूशन। अभी इंडिया में लॉन्च तो नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको टैप टैप से डाउनलोड करके खेल सकते हो। मैं आगे वीडियो में बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको, और उसमें कुछ VPN की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। 5 GB का गेम है भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा साइज़ का है। इसका ग्राफिक बहुत बढ़िया है और गेम प्ले भी मुझे ठीक लगा, लेकिन इसके लिए आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए। 3 GB रैम से ऊपर होना चाहिए। 2 GB वाले भाई परेशान मत होना, टाइम मत ख़राब करना, और मोबाइल का ग्राफिक भी अच्छा होना चाहिए। GPU मतलब स्नैपड्रैगन 600 प्लस तो होना चाहिए प्रोसेसर। और इसको कैसे डाउनलोड करना है, आप इसको टैप टैप से लोडिंग कर सकते हो या फिर प्ले स्टोर से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप अगर इंडिया में हो, प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक VPN, फिर इसको कनाडा के सर्वर से कनेक्ट करके जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो आप पहले प्ले स्टोर का आपने कैचेस क्लियर कर लेना एप्लीकेशन सेटिंग में जाके, तो वहाँ पे आपको शो कर देगा इंस्टॉल का ऑप्शन। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है, आपका टाइम ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि आप टैप टैप से जाओ और वहीं से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। 80 MB का आपको APK मिल जाएगा, और जब गेम आप ओपन करोगे तो उसमें आपको 5 GB का डाउनलोड मांगेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको VPN कनेक्ट कर लेना है कनाडा से, उसके बाद ही आप गेम ओपन करना। उसके बाद डाउनलोड का आपको ऑप्शन दे देगा, नहीं तो लिख के आ जाएगा उसमें ये गेम आपके कंट्री के लिए अवेलेबल नहीं है। तो पहले ध्यान से पहले VPN कनेक्ट कर लेना कनाडा के सर्वर से, ठीक है। उसके बाद आप जब गेम डाउन मतलब एक बार कनेक्ट कर लिए सर्वर से, उसके बाद डाउनलोड स्टार्ट हो गया, फिर आप बंद भी कर सकते हो। आप VPN बंद कर लोगे तो भी डाउनलोड हो जाएगा आपका, बस आपको गेम से बाहर नहीं आना है। मतलब जब डाउनलोड हो रहा है तो बिल्कुल आपको मिनिमाइज नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर से डिसकनेक्ट हो जाएगा और आपको सर्वर एरर हो जाएगा। फिर से आप जब कनेक्ट करोगे तो VPN भी लगाओगे, फिर भी आपका वही प्रॉब्लम बार बार बताएगा, डाउनलोड नहीं हो पाएगा, डाटा फिर से क्लियर करना पड़ेगा APK का। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना जब आप डाउनलोड करना, और जब VPN डिसकनेक्ट करना तो आप बिल्कुल मेन स्क्रीन पे ही गेम को रहने देना, आप बैकग्राउंड में मत जाना या फिर मिनिमाइज मत करना बिल्कुल ही, ठीक है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना। तो एक बार मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आप बिल्कुल वैसे ही कर लेना। और VPN आपको कनाडा के सर्वर से कनेक्ट करना होगा, आपको टैप टैप स्टोर पे जाना है, वहाँ पे आप सर्च कर लेना या फिर आपको टॉप में मिल जाएगा, कहीं पे भी टॉप लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना। 80 MB का APK है, ज़्यादा का नहीं, बस 80 MB का है। और वीडियो को लाइक कर दो भाई। तो जब गेम आप डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको VPN कनेक्ट कर लेना है कनाडा के सर्वर से, ठीक है, किसी और सर्वर पर नहीं, कनाडा के सर्वर पर, नहीं तो फिर ये वो आपको देख लो ये ऐसा एरर आएगा। तो आप कनाडा के सर्वर से करना, और पहले आप एक काम करना, पहले कनेक्ट कर लेना उसके बाद ही आप गेम ओपन करना, ठीक है। तो गेम स्टार्ट होते ही आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाएगा। भाई क्लिप देख के मैं समझ गया था यार क्या ग्राफिक है, मतलब मेरा दिल खुश हो गया था देख के भाई, गेम ज़बरदस्त होने वाला है। वाकई में गेम ज़बरदस्त है, काफ़ी मतलब अच्छा स्टोरी मोड गेम है भाई, देख लो आप 5.2 GB का गेम है। तो भाई आप तो मतलब डेटा मोबाइल से तो सोचना ही मत डाउनलोड करने का, नहीं तो भाई आपका अगर एक बार एरर आ जाएगा फिर तो आपका डेटा ख़राब हो जाएगा। किसी अच्छे स्पीड वाले वाईफाई में से कनेक्ट करके फिर आप डाउनलोड करना है इसको, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको VPN को डिसकनेक्ट कर देता हूँ, तो ये मेरा फिर डाउनलोड होगा ही, मतलब कैंसिल नहीं होगा। बस एक बार स्टार्ट करने के टाइम जरूरत पड़ता है VPN का, उसके बाद आप खेल भी सकते हो, VPN हटा के भी खेल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, गेम आपका फर्स्ट क्लास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। बस आपको याद रखना है कि आपको गेम को मिनिमाइज नहीं करना है, नहीं तो आपका पूरा ख़राब हो जाएगा। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा इसका, आप डाउनलोड करते करते ये गेम भी खेल सकते हो लॉट स्टार का। चलिए ठीक है, फिर तो अब चलते हैं।
appreciate it, Storm. Let's secure the bomb and head back to the meeting. You heroes seem to have missed the point. AIM has designed our salvation. If one world must die so that we can live, so be it. You should be thankful we are willing to get our hands dirty! Those tiny hands of yours can't save us. That'll take a real genius, like me. Curse you, Stark! Leave this one to the heroes, MODOK. You say that every time, but you're always wrong. Iron Man! You really should show your superiors more respect! Two of them? You got this, kid? Do I have a choice? I didn't think so. Look out! Coming through! Yikes, too close! Antimatter bomb ready for launch. Less chatter and more action. Launch the bomb already. Are you certain my world is the one that needs to die? One more complaint and we'll send you back to die with it. Okay, steady, Spidey. You got this. You got this. Ready? Whip. Yes, got it. Sorry to ruin the latest meeting of the Enormous Head Club, fellas, but we've got two Earths to save. Gotta swing! Stop this instant, Spider Freak! Convergence is mere moments away! We devise the only viable solution! Killing an entire world to save yourself? Not an option! Sorry! You see? You're dooming us all! Nope. Actually, we're saving everyone. My powers aren't working.
And I thought one of you was annoying. You will pay for underestimating the MODOKs! Has defeated you on countless Earths, Captain! What? All that knowledge in those brains, yet you use it to destroy life, not preserve it. Such a shame. Perhaps what we need instead of science is a bit of magic. No one dies today. Not on any world. Kill them! It's over, heroes! Someday you will thank AIM for this! No, we do not need to resort to such violent acts. Vision. All systems are go. If our calculations are correct, we can reverse the convergence. Hank Pym reporting. Convergence engines are online. Activating now. Thank you.
detecting a severe fluctuation in the wave frequency of the Convergium particles. We can't fail. Sir, the particles, they aren't synchronizing like we thought. Attention all agents. The convergence engines have failed. Initiate evacuation protocol. You tried your best. But there may be one more thing that can be done. If the convergence process cannot be stopped, perhaps I can use my density-altering abilities in tandem with these engines to bring our worlds together in a more harmonious manner. The Earth will be born anew. Take care of it, my friends. It was an honor saving the world with you all. Research on the continuing convergence process has been going smoothly. What's the latest status on our primary Earth? It's been hard to keep up as the landscape shifts, but we've identified a number of new Earths that have merged with our own. Like this Earth. It was a refuge for immigrants from Xandar. And another, where Asgardians built a shared kingdom. Thankfully, we've managed to build friendly relationships with them, so far. Not all of them. We've absorbed entire regions that could end up as potential threats. It could be worse. Without Vision, none of this would even exist. Including us. The world isn't perfect, but we're making progress. Yeah, I'm pretty proud of what we've managed to accomplish in such a short time. We figured that out when you named it New Stark City. Things might be under control for the moment, but we're gonna have to keep fighting if we want to end this.